ये हम लोग एक कैंप लगा रहे हैं जिन बच्चों का जन्म से हो या तालुक बना रहता है, ठीक है, फोन नंबर है उसके, फ्री में ऑपरेशन के लिए। इस साइड हम लोग बैनर बांधते हैं, नीचे वाले में, नीचे वाले में, नीचे वाले में। ये हम लोग एक कैंप लगा रहे हैं जिन बच्चों का जन्म से होठ या तालू कटा रहता है उनके फ्री ऑपरेशन के लिए। अगर ऐसा कोई हो आप लोग के क्षेत्र में तो लड़का है, है, कटा हुआ है, ठीक है, ऑपरेशन हो गया है या नहीं उसका, ठीक है, तो उन्हीं के लिए हम लोग कैंप लगा रहे हैं। तो आप भेजिएगा, ऑपरेशन का, दवा का, बेड चार्ज सब कुछ फ्री। कोई यहीं का है कि और कहीं जा सकता है? नहीं, यहीं का है, बनारस के ही हॉस्पिटल है ना। कितने दिनों का? नहीं, हमारे यहाँ एक कैंप लगा रहे हैं, लग रहा है वो एक ही दिन। अगर आप लोग के क्षेत्र में ऐसा कोई है तो आप उन्हें बताएं, जैसे कि हम लोग हम यहाँ पे कुछ कागज छोड़ देंगे, अगर बाद में तुम लोग को पता लगता है कि हाँ ऐसा कोई है तो तुम लोग उसके घर जाके उनके माता पिता को या आसपास जो भी मिले उनको बताओ, जैसे कि उनका निःशुल्क इलाज हो पाए। कोई पैसा नहीं लगेगा, उनका एकदम मुफ्त में इलाज किया जाएगा, ठीक है, बताओगे ना तुम लोग? बताओगे ना? ठीक है, आप करा ले, ठीक है। कहाँ पे? एक खटी खटी पसल था। हाँ हाँ, मतलब अनुसूचित जात है ना, तो जो है एक लड़की कोई वोट कटल हो, क्या लड़की है? अरे अंजू बेबी है ना, एक अंजू लता की लड़की है, बहन है ना? लड़की है? हाँ एक लड़की है। क्या नाम है? पिंकी। पिंकी, ठीक है। यहाँ पे राजेंद्र जी का घर कौन है? कौन राजेंद्र? जिसके बच्ची का शायद होठ कटा है। अच्छा, ये वाला है। आप राजेंद्र जी हैं? नमस्ते। अच्छा, यही बच्ची है ना? मतलब ग्रहण हुआ, भगवान का लीला बा, लग गल बा, ग्रहण लगा, ग्रहण लगा, पेट में के ग्रहण लगा, यह बात बा, सही किया जाएगा। बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। देखिए, हम लोग एक हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, जीएस मेमोरियल प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल। जिन बच्चों का जन्म से होठ या तालू कटा रहता है उसके लिए हम लोग एक 18 मार्च को एक कैंप लगा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप 18 तारीख को आ पाएँ, वहाँ पे हम लोग आपका पंजीकरण करेंगे, पंजीकरण के बाद जाँच करेंगे, फिर आपके ऑपरेशन की जाएगी, ठीक है? तो आप लोग 18 तारीख को आएँगे वहाँ पर? बात है सर अली, खराब जी गरीब आदमी पैसा कौड़ी पहुँचता नहीं भाई, जा बेटा जी आवे में बात है का कर ली, चल ली अरबिस्त हो गल रहा, यही बात है। हाँ हाँ। वही से और डॉक्टर बोलल। हाँ हाँ। कि इसी की दांत जम जाना। हाँ। तो उसी के ऊपर मतलब पैसे की कमी से नहीं, उसे रह गल, निःशुल्क होगा। ऐसे जितने भी बच्चे हम लोग को मिलते हैं उनका हम लोग फ्री में ऑपरेशन करते हैं, और कोई मतलब फीस नहीं लगेगी आपकी, ठीक है? तैयार हैं आप लोग? जाएंगे ही तो आप लोग, एक साधन क्या इधर से मिलेगा, कैसे पहुंचेंगे आप लोग यहाँ तक? अरोरा पैदल जाएंगे, पैदल जाएंगे, अरोरा पैदल जाएंगे, घंटा तो अरोरा जाने में यहाँ से लग जाएगा। अरोरा के बाद कोनो गाड़ी से साधन करके जाइए आदमी। अच्छा, मान लो कोई से गांव घर से ले जाइए, कल ऑपरेशन मतलब हो गए पर कौन में छुट्टी होगी? ऑपरेशन करीब 7 दिन आपको हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है। 7 दिन। आप कैसे सोचते हैं इस बच्चे के भविष्य के बारे में, कि अभी कैसा है और ऑपरेशन के बाद कैसा लगेगा? अरे हमारे कपारे का बोझा उतर जाए बाबू। अच्छा,
वहाँ से कहीं से मंगा लिए कहे कि वहाँ पे रुके तो कुछ खाना ना पीना बनाए के पड़ी ना पैसा नहीं खाली तो लोग खाए पिए में अपन अनाज उनाज के जो लगे बस आप हॉस्पिटल में को पैसा ना देकर ना दवा ववा कुछ ना देवे गया हेलो हाँ बोल रहे हैं 18 तारीख को लेकर आइए हम लोग उस दिन रहे ऐसा है ना कि आप हमसे जो है 1 घंटे बाद बात करिएगा ठीक है लोग जैसे चंदा देते हैं तो उनसे इकट्ठा होता है फिर वे हमारे हॉस्पिटल को मिलता है तो फिर आपको पता है आप इतना करत हम तो इनके मिलियत है बनारस में है इकट्ठा है तो लोग मतलब बस तो बहुत है हां प्राइवेट हॉस्पिटल है ना नहीं ये हम नहीं ऑपरेशन अगर फ्री में होता रहता ना तो जब धरती में लेके गिरल तब हम आप लोग के ले आई रही मगर ना ही जानकारी रहल हम उनकी ठीक ठाक से रहल जी अपन पेटे में खाए ली कमाए ली करल जी शादी ब्याह जब ठीक ठाक हो जाई तो यह करल जाई कहाँ पे है वह इस जगह बगीचा में ठीक है कितने साल का होगा बच्चा बताई ना हाँ बनारस में डॉक्टर लोग देखे रहे तो ये नहीं बनवान कहाँ खतरा ये कौन हमारे से ही रही कौन कहता है एक बाबू कहा ना कहीं तारू तारे लिहा तो ऐसे इनका ना ही बनवाए तो वहाँ से लेके भागे आए नहीं कहाँ रहते पहुँचवा दे पहुँचा दे आज ले पहुँचा नहीं कर डर के मारे नहीं ऐसा कोई जैसे बहुत बड़ा खतरा नहीं है जितना एक सामान्य ऑपरेशन में खतरा होता है उतना इसमें भी खतरा है बहुत ज्यादा ऐसा हमारे यहाँ 12-13 ऑपरेशन डेली होते हैं ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है कभी कभी 15 भी हो जाते हैं ठीक है ठीक है वहाँ पे अगर जाएंगे आप देखेंगे कि केवल आप ही का बच्चा इस तरह नहीं है बहुत बच्चे इस तरह का है तो अभी 18 तारीख को कैंप लग रहा है ना और सबको इतनी दूर से आया है इसी काम के लिए तो हम भी चाहेंगे कि आपका हो बताइए कैसे लेके जाए माता जी वहीं पे हम बच्ची का भी इंतजाम कर देंगे रुकने के लिए बच्चा साथ रहेगा तब तो जा सकती है ना वहाँ बच्चे के लिए भी रुकने की व्यवस्था रहेगी आपके लिए भी बच्चे के लिए भी पगलों मत भेज के ओकर बनवाए दी बनवाए पर ओकर जिंदगी सुधर जाए बढ़िया तो और ही हो के लड़का सुधर के दद्दा हाँ लिया जाए हैं काकड़ कम कर लिया करे बगा हाँ चल बिना चला जाए दे बन जाए ना देख ऐसे हुए यह तोरा चेहरा है देख दूध रे इसे भाई बना हुआ पर ऐसे भर दिए हैं देख देख यहाँ ऐसे हो गए फिर तो जाए जरूर चलबू ना
पैसा है या ना खैले में देखा रोगा ना ना रोबू ना ना या दाई बाबू तो ताका लगे पैसा नहीं तुम कैसे मोटर गाड़ी पे लिया चल हाँ हैं पैदल चला था कितना दूर तक जाबू दरिया वाकी पहुंच जाबू हाथ गोर दुखाए थे पूरा ले चला तो के कन्हैया हम तो हरा थक गया था मन संग चलबू ना चल मम्मा दे दो भाई हां मम्मा चल तो मीना के बाबू के चलते उनसे मिले हमके हम देव जिम्मेवारी हम दे नंबर याद रखिएगा 165 खाने के लिए 222 नंबर याद रखिएगा मरीज का नाम इसका नाम है
पिंकी का 5 साल। ग्राम ग्राम कौन गांव? मिर्जापुर। मिर्जापुर फोन नंबर है ना? फोन नंबर आपका गांव का कहीं बगल का किसी का मोबाइल नंबर? नहीं तो पैसा लिखा है, भूख लगी है, खाना नहीं खाया उनके लिए। ठीक बस भैया जी। हाँ खाना खा के तब से आराम, अपना नंबर याद रखिए। देखिए नंबर आपका लिख दे रहे हैं, 416 नंबर है, ठीक ना? इसको याद रखिएगा, वहाँ बताएंगे 416 नंबर जब बोलेंगे सुनिएगा, ठीक है? आपको कैसे पता चला इस पी कैंप के बारे में? प्रेफर करता पर आप खुद पढ़े थे? खुद पढ़वा है तो सर, मतलब नहीं पढ़े हुए हैं। अच्छा, रहने वाले लोग अपने काटत पीटत का ना कटाई लगी। पहले तो मालूम हुआ लड़का है, बहुत खुश हुए, बाद में देखा थोड़ कटा हुआ, अफसोस हुआ। अब क्या सोचे लोग, वो देखने पर रोएगा लड़का, बहुत दुख हुआ। क्या सोचे आप? सोचे भगवान पैदा ही नहीं दिए तो वही ठीक है, इसकी माँ भी वही सोच रही है। हाँ देता था, बेटी जाके शादी ब्याह भी नहीं देखो, शादी वाला है, गरीब आदमी है, कहाँ से हम एक लड़का है रखो धरा में, शादी करना है ना। अच्छा लग रहा है कि ये लग रहा है कि कम से कम हमको भी संतोष हुआ। कितनी देर लगी आने में? कि हम सोचते थे कि हम ही के खाली सिर्फ बच्चा है। अजीब से लगता है कि इतने लोग हैं ऐसे। इसको क्या हुआ है? ये काम धंधा कर रहा हम, जरी पकवा खाना, ये माँ इसको डेट कर गया सर, हम इसका बाप है। तुम दूसरा शादी तो की हो? जी नहीं, 4 लड़की है और 2 लड़का है, शादी करेंगे तो बाल बच्चा के कौन देखेगा। सज्जन को वाराणसी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड जाना हो, वह हमारे आए कल से यहाँ रुकते, पैसा भी पिताजी एकदम है, खाने पीने वाला कोई साथ में आया है? नहीं मर गया। यहाँ पे तो आदमी रहता है ना, मदद करेगा ना? अब उतना पैसा तो खैर हम कर। शादी हो गया आपका? यहाँ से ये ऑपरेशन 3 महीने की उम्र में सबसे अच्छा रहता है, बड़े होने पर उतना अच्छा नहीं रहता जितना कि 3 महीने की उम्र में अच्छा रहता है। कि अभी तो बहुत से 250-300 पेशेंट्स आए हैं, सबको एक साथ हम लोग नहीं ऑपरेट कर सकते, अर्ली डेट देंगे, उस डेट पर आके आप अपना करा सकते हैं। तो आपको 6 महीने का टाइम दिया गया है, क्यों इतना दिन टाइम दिया गया है? इसलिए कि आपका बच्चा स्वस्थ हो जाए, ठीक है? अभी उसका ऑपरेशन नहीं किया सकता, और एक दवा भी लिखी है, 6 महीने, ठीक है? वो आप जो है बाहर जाके हॉस्पिटल है वहाँ से ये दवा मिल जाएगी, सब बराबर है। अच्छा, देखिए खराब है, लेकिन आप लोगों का ये प्रयास जो है ना सर, हमारे लिए गर्व की बात है कि आप जैसे आदमी हैं यहाँ पे जो कि ऐसा प्रयास कर रहे हैं। ले आ पर्ची जल्दी, जब जा 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 ले आ जा पूछ ले। कितनी उम्र है इसकी? 11 साल। मुँह खोले बेटा। स्कूल जाता है कि नहीं जाता है? नहीं स्कूल जाता रहा, आजकल तो ना है, अब नहीं जा रहा है। सांस को बैठा आएगा वहीं पे, आराम से आराम, जल्दी जल्दी सांस लो। यहाँ ये क्यों नहीं जाता है? ये बोलिए ना, ऐसा ही निकला कहीं से अपन। नाम तुम अपना नाम बताओ। नाम बोल, सुनाई पड़ता है ठीक से? फरियाद ना, गिनती आती है 10 तक? नहीं आती। पंकज जल्दी मिल जाए तो अच्छा है, तो कोशिश करो पंकज इसको भर्ती कर लो।
ठीक है, तो बन जाएगा तो स्कूल जाओगे? ठीक है, स्कूल जाएगा, इसको भर्ती कर लीजिए। ठीक है, कितनी उम्र है इसकी? 5 साल। अच्छा, पूरे 9 महीने में पैदा हुई थी? हाँ। ठीक है, कोई समस्या माँ बच्चे को हुई थी? ना है। ऐसा घर खानदान में किसी और का है? ना है, हमारा। अभी आपको कैसा लग रहा है? कुछ घबराहट हो रही कि नहीं? नहीं। कोई दिक्कत उक्कत नहीं है आपको? नहीं। तब स्कूल स्कूल जाना नहीं है तुमको अब? नहीं। हैं? तो कैसे तुम लोगों के साथ खेलते हो? तो तुम वो लोग डरते थे, तुम क्यों भाग आते हो? वहीं पे रहना चाहिए, डराना चाहिए लोगों को। हैं? स्कूल जाते कि नहीं? तुम उस दिन गोली खेलने गए थे ना, तब क्या खेलते हो? क्या बोलो? मैच खेले गए थे। बैट बॉल खेलने आता है? अच्छा, कौन सा खिलाड़ी तुमको पसंद है बताओ? सचिन तेंदुलकर। और कौन पसंद है? कोई ना। अब तुम्हारा हो जाएगा तो उसके बाद तुम जाओगे तो या तो पढ़ोगे या तो मौसी के यहाँ काम सीखोगे, समझे? दिन भर खेलोगे नहीं ना? हैं? ऐसे अभी इसका ऑपरेशन मतलब होगा अभी कुछ देर में, आधे पौन घंटे के बाद। बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है गुड्डू, चले हाथ मिला ले एक बार। पहले देखिए ये ओट का ऑपरेशन होगा, ओट का आज ओट का ऑपरेशन हो जाएगा। इसके बाद फिर कुछ दिन बाद नाक का ऑपरेशन किया जाएगा। नाक जो है वो एक सीध में की जाएगी, नाक को सही किया जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ कि तुम सुबह से कुछ खाए हो कि नहीं? नहीं खाए हो? पानी भी नहीं पिए हो? भूख लगी है? पेट दिखाओ, एकदम हिचका हुआ है। तो आप लोग कहीं घबरा तो नहीं रहे हैं? मतलब आज ऑपरेशन होने वाला है तो घबराहट तो नहीं हो रही है? और ये विश्वास तो डर डर लग रहा है कि नहीं? डर नहीं, खुशी लग रहा है कि आज ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो कैसे? और तुमको कैसा लगता है? तुम्हारा ओट कटा हुआ है तो तुमको कैसा लगता है? शीशे में कभी देखते हो अपने को? सुनो बेटा, तुम्हारा ओट सिला जाएगा, तुम शीशे में देखोगे तो कितना अच्छा लगेगा, लगेगा कि नहीं? तुम क्यों रो रहे हो? तो हंसो, चलो हंसो, चलो हंसो, हंसो हंसो। आपकी मरीज से रिलेटेड ही है, पूजा से संबंधित है। जब पैदा हो गया तो मेरा दस्त ही है, तो होश में आए तो दीदी बोला कि क्या कर दिए कि नहीं ऐसा काम हो गया। अच्छा, लड़की इतना सुंदर है ऐसा हो गया, तो हम बोले कि तो लग रहा है कि राक्षस पैदा हो गया। राक्षस पैदा हो गया? ऐसा क्यों सोचिए? देख के हमको डर महसूस होता था इसका। अच्छा, तो आपके 4 भाइयों में और उनके जो फैमिली है, तो वो लोग जब बच्चे को पहले देखे तो उनका क्या रिएक्शन, उनका क्या, उनकी क्या प्रतिक्रिया? वो लोग बच्चे को अभी देखे नहीं है। अभी बच्चे को नहीं देखे हैं? क्यों? नहीं, ये जन्म गया तो वो लोग को दुख हो गया कि हम नहीं जाएंगे, तेरा बच्चा ऐसा हो गया ऐसा हो गया। तो मतलब इसका दोषी आप भी मानते हैं ऐसा माँ की वजह से हुआ? नहीं। अभी तो ये ऑपरेशन होगा, अभी 1 घंटे में आपका आएगा, अभी सर करेंगे हमारी। पता है कुछ क्या होगा इसका अभी ऑपरेशन? ऑपरेशन इसको नहीं, हाँ उन्होंने कहा कि चलत हमारा ओठ बने, चलत सीआई हमारा ओठ बने। अभी कैसा लगा? अभी डर ना लगा था ना? अभी डर लगा था? डर लगा था अभी? नहीं। हाँ सर, ये कौन है? बाबू। नाम कहाँ है इनका? ईद के त्योहार? अच्छा, तो तुम्हारा नाम कहाँ? पिंका। पिंकी?
पिंकी ऐसे बैठ जाओ अच्छा लग रहा है हां अच्छा लग रहा है खुशियाली होते हैं कि कैसे भगवान कैसे हमारे लेकी का बन जाएगा अच्छा 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 माना ले फायदा हम जा मझूला देते हैं उसे सब कोई कहत रहा है कटहिया कटहिया अब ना कहीं वो कटहिया ना बोलते हैं सब बच्चे हां क्या बोलते हैं मारन मारते हैं तुमको का कहा लें तुके थका वालो अच्छा वो कटहिया बुला वाले तो तू स्कूल जा लूँ कि नहीं अब नहीं अब ना जी तू स्कूल है पिंकी यही है ना अच्छा ठीक है अब इसका ऑपरेशन का बारी आ गया है अच्छा। इसको लेके नीचे चलना है अभी बहेंगे हाँ ठीक है उसका अच्छे से ऑपरेशन हो गया बिल्कुल ठीक है ना कोई परेशानी नहीं है बेहोशी से बिल्कुल बाहर आ गई है बिल्कुल ठीक है अभी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे ठीक है चिंता नहीं कीजिए ना चिंता रही खाना पीना कुछ खाया कि नहीं नाश्ता कर रहे हो खाना वाना बनी तब खाइए बच्चे के लक लेवल है तो फिर खाना बना बनी बच्चे को देख के खाएंगे पहले नहीं खाएंगे बच्चे ठीक है कोई दिक्कत ठीक है अब एक डेढ़ घंटे बाद आप देख पाएंगे रामकेश जी बोल रहे हैं अंबिका सेल से आवाज हां लीजिए बात करिए दवाई वाले होलसेल वाले क्या नाम है आपका लालचंद जी से बात करिए जो स्टाफ इस समय उसमें है उसको बुलाइए जाकर हेलो हां ऑपरेशन हो गया आप ओके पिंकी के मम्मी के बुलवा देते ना ही कोनो बात का दिक्कत नहीं है ऑपरेशन हो गया सब ठीक ठाक बा हां कल फिर सुबह फोन करो हाँ मजे साहब ये देखिए इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसका ये जो बीच का पोर्शन है ये करीब करीब 2 इंच प्रोट्रूट कर रहा है
इसका पर ये दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा कटा हुआ था, दोनों नाक गोल हो गई है, होठ दोनों तरफ जोड़ दिया गया है। अब इस पोर्शन को हम लोग और नीचे करेंगे। तो किस हद तक ये नॉर्मल होगा? बहुत हद तक हो जाएगा। बिल्कुल ये अभी इसकी ये देखिए, ये एक और बच्चा है, ये घुटरू बोल पा रहा है कि क्या नाम बेटे बताओ? इसका अंदर तालू का भी ऑपरेशन हुआ है ना, मुंह के अंदर भी ऑपरेशन हुआ है। मुंह खोले बेटा, उन्होंने इसको ट्रेस किया। अब आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। स्कूल जाता था कि नहीं? नहीं नहीं। तो अब स्कूल जाइए? हाँ, कहाँ जाए, पूरा फूल बोली है, पढ़िया है। हाउ मेनी पेशेंट यू हैव ऑलरेडी ऑपरेटेड? 2004 अप्रैल के बाद हम लोगों ने 6000 पेशेंट ऑपरेट किए हैं, और अब हम लोग हर साल, जैसे इस साल से हम लोग 3000 पेशेंट ऑपरेट करेंगे। व्हाट इज द सक्सेस रेट? सक्सेस रेट इज ऑलमोस्ट 100%। 100% या सक्सेस इन टर्म्स ऑफ गिविंग अ गुड रिपेयर इज 100%। प्रॉब्लम हमारे पास बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। अभी हिंदुस्तान में करीब करीब 1,000,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है, और करीब करीब 35,000 बच्चे हर साल यहाँ पैदा होते हैं, 35,000। उसमें से एक तिहाई को भी कोई ढंग का ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। मेडिकल सुविधाएँ यहाँ सीमित हैं। इसका क्या तालुक है ऑपरेशन में? तो खोलो, हाँ करो, हाँ करो। अभी ठीक है? आप कहाँ से आएंगे? सर वैशाली डिस्ट्रिक्ट से। बिहार, वैशाली बिहार से। और दूर से पटना के नहीं है के पास जो एडवांस्ड कंट्रीज के जो डाटा आते होंगे क्या वहाँ ही इसकी प्रॉब्लम बहुत नहीं? वहाँ भी है, वहाँ भी है, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा है, गरीब पेशेंट्स में ज़्यादा, क्योंकि हम लोग तो यही देख रहे हैं कि गरीब मरीजों में ज़्यादा ज़्यादा आ रहा है। इसकी वजह ये हो सकती है कि कोई न्यूट्रिशनल डेफिसिट है, कोई डेफिशिएंसी है, कोई कमी है ना, क्या है ये हम लोग को नहीं मालूम। जब बच्चा पेट में होता है तो 4 हफ्ते से ले कर 12 हफ्ते के बीच में तो ऐसा हो सकता है, कई बार जेनेटिक रीजन से भी ऐसा होता है। आज तो सारे आपके टाके निकल गए। हाँ। आज तो छुट्टी हो गई आपको। ठीक है, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, ठीक ठाक एकदम, फर्स्ट क्लास का लगता है। अब इसको बच्चे चिढ़ाएंगे? ना, नहीं चिढ़ाएंगे आप। और आसपास के लोग क्या कहेंगे? आप तो देखेंगे ना, कहीं बहुत बढ़िया बन गया लड़की का चेहरा। स्कूल जाओगी? अब इसका स्कूल में नाम लिखा दीजिएगा। लिखा। ठीक है। घर जाना है? अच्छा लगेगा ना घर जाने में? तो अभी जाएंगे तो देखिएगा कि होठ पे जो किसी तरह का चोट ना लगे ना, बचा के अभी 10 दिन तक घर में, 10-20 दिन के अंदर, 10 दिन तक बस आराम से किसी तरह होठ पे चोट ना लगे। ठीक है, इसलिए बराबर सफाई रखना बहुत जरूरी है। किसी भी समय 24 घंटे आप किसी भी समय हमें फोन करके अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। सब लोग समझ गए मेरी बातें? तो जब इस संस्था ने आपके लिए मदद किया है कि आपके बच्चों का इस तरह का ऑपरेशन हुआ है, तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है कि आप इस तरह के मरीजों के लिए कुछ अपना सहयोग प्रदान करें, कुछ मदद करें। यदि आपके रिश्तेदारी या जान पहचान में कोई इस तरह का मरीज है तो उसको तत्काल यहाँ भेजें। ठीक, अगर आपके रिश्तेदारी मान लीजिए कोई मरीज है, बहुत गरीब है, तो आप 200-400 रुपये की उसकी मदद करके उसको यहाँ भेजें। आप लोग इतने बड़े देश के कोने कोने से आते हैं, अगर एक मरीज सोचिए 8-10 मरीजों को भी भेजता है तो कितने सारे इस तरह के मरीजों का इलाज हो पाएगा। मरीज ही नहीं तो अस्पताल किस लिए, किस कोई महत्व नहीं है। आप हम लोगों के हीरो हैं। ये नहीं, सही बात है, सब लोग समझ गए ना? तो इस तरह के मरीजों को भेजेंगे कि नहीं? भेजेंगे जी। Thank you.
दवाई पी ले उठा पिंका। जब के लिए खा जाए पैसा मार गया दवा का खरीदा कैंप लग रही है 18 सितंबर माफ कीजिएगा बनारस में हाँ बनारस में मतलब फ्री में रहे ना हाँ हमेशा फ्री में होता है फोन करके बात कर सकते हैं।